हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष शर्मा फ्रॉम फैमिली डेंटल क्लिनिक। हम लोगों को आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में उनको पता चल रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए डेंटिस्ट्री के बारे में, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह यहाँ से इन्फॉर्म्ड हो रहा है। तो उसी दौरान अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट ब्रेसेस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंटल ब्रेसेस और व्हाट वी कॉल बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर योर टीथ। सो बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ब्रेसेस। हु नीड्स ब्रेसेस? You see that a lot of the age group for braces, it starts from 10 years and it can go up to 40, 45, 50 years also. एक 10 साल से बच्चे से लेकर के आप 50 साल के लोग भी ब्रेसेस लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके गम्स हेल्दी हों। ये कॉमनली जो होता है यंग एज ग्रुप में लोग लगवाते हैं। अब ब्रेसेस क्यों लगवाना चाहते हैं? ब्रेसेस इसलिए लगवाना चाहते हैं कि किनका, कोई लोग अपने दांत के शेप से खुश नहीं है, कोई अपने चेहरे के शेप से खुश नहीं है। बिकॉज ऑफ द ब्रेस, बिकॉज ऑफ द टीथ आर नॉट इन लाइन, दे आर आउटसाइड, मे बी दे आर इनसाइड, और दे आर नॉट हैप्पी विद द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ। देर आर मेनी रीजन्स वाई पीपल गो फॉर ब्रेसेस। दे स्माइल्स, दे डोंट स्माइल प्रॉपरली बिकॉज द टीथ आर नॉट लुकिंग गुड। सो बाय ब्रेसेस यू कैन चेंज द alignment of the teeth and we can give you a beautiful smile. अब braces जैसे मैंने आपको बताया कि it can start from 10 years and it can go up to 50 years also, depending on the health of the gum and the status of the teeth. Now moving forward, what are the types of braces? So there are two types of braces basically. One is the metal, the other is ceramic, and the third, which is called as Invisalign or aligners also. Aligners is the name for them, which works without braces, and that is the third part. So first one is the metal one that looks like a steel. वो steel के तरह लगता है, आपके दांतों में लगाया जाता है। ये commonly use करा जाता है। Again इसका पर्पस यही रहता है कि दांत को सीधा करना है, दांत को अंदर करना है, तो ये पर्पस इनका रहता है। द सेकेंड वन इज़ द सेरामिक वन, विच इज़ ट्रांसपेरेंट इन कलर। वो ट्रांसपेरेंट लगता है दिखने में। दे आर मोर एस्थेटिकली प्लेजेंट। अगर किसी को पसंद नहीं है कि उनके दांत में स्टील का कुछ दिखाई दे, तो हम लोग सेरामिक ब्रेसेस लगा सकते हैं। सेरामिक ब्रेसेस और मेटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन सेम है, उनका जो ट्रीटमेंट का एंड रिजल्ट है वो भी सेम है, बट ceramic is more aesthetically pleasant, whereas metal is not. Now coming to the third type, they are not braces, they are actually aligners. We call them aligners. These are aligners. ये पतले शीट्स होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जो आपके दांत के शेप के हिसाब से लेबोरेटरी से बन के आता है, जो हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम आपको एक सेट्स दे देते हैं। वी प्रोवाइड यू द सेट्स and we tell you that how many days you have to wear each set, and the number of the set is dependent on the problem, that how difficult is the problem. Whether the teeth are very much outside, then the number of the sets increases. If it is very much crooked or irregular जिसे कहते हैं, तो वो होने से number of sets जो होता है वो बढ़ जाता है। सो अलाइनर्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपका मेजरमेंट लेकर के लेबोरेटरी भेजते हैं, उसके बाद वो सेट्स बना के भेजते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें आपको हर सेट को चेंज करना है। दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज़ दैट यू डोंट नीड टू विजिट द डेंटिस्ट अगेन एंड अगेन। ब्रेसेस जो नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रेसेस मेटल या सेरामिक में, आपको अपने डेंटिस्ट के पास मिनिमम 1 मंथ या फिर 45 डेज़ में एक विजिट करना पड़ता है। अलाइनर्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू टेल दैट हाउ डू ब्रेसेस एक्चुअली वर्क। आपके जो हम लोग ब्रेसेस जो लगाते हैं, तो वो दांत में क्या करते हैं, वो क्या कैसे वर्क करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट वंस वी पुट द ब्रेसेस, वी पुट अ वायर। हम लोग एक वायर लगाते हैं जो ब्रेसेस से अटैच हो जाता है। जब वो वायर ब्रेसेस से अटैच हो जाता है, तो वो एक मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करता है। एक फोर्स प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करता है, आपके जो हड्डी है अंदर दांत में, जड़ जिसे हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उनमें रीमॉडलिंग करता है। रीमॉडलिंग मतलब कि एक तरफ से वो हड्डी को हटाता है और दूसरी तरफ हड्डी को डिपॉजिट करता है, तो उसके वजह से टीथ का मूवमेंट होता है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म हाउ ब्रेसेस वर्क्स। सो इट्स कॉल्ड एज रीमॉडलिंग ऑफ बोन जिसमें क्या होता है कि आपके जिस तरफ मूवमेंट करना चाहिए ब्रेसेस उस पर्टिकुलर तरीका से लगाया जाता है, चाहे कि वो मूवमेंट जो वो आपके एक तरफ के बोन को रिजॉल्व करता है, जिसे कहते हैं कि बोन हड्डी को हटाता है, और एक तरफ के बोन में बोन डिपॉजिट करता है, मतलब कि बोन वहाँ पे चला जाता है या वहाँ जाके बोन का ग्रोथ होने लगता है, जिसके वजह से टीथ का मूवमेंट होता है। ये था बेसिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट ब्रेसेस। नाउ I would like to tell you that what all precautions do you have to take when you are going for braces. The precautions are very simple, that you should not eat something very hard. Say for example, if you are having an apple, you should cut it and eat, you should not bite it. If you are having guava, you should cut it and eat. अमरूद जिसे कहते हैं, आप अगर खीरा खा रहे हो या आप गाजर खा रहे हो तो उसको आप लोगों को टालना नहीं है, उसे बस नॉर्मल कट करके खाना है। You cannot eat bones, very hard things like bone, अखरोट हो गया या कैश्यू नट्स हो गया, उनको आपको बाइट नहीं करना, उनको तोड़ के खाना है। स्टिकी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, जैसे च्युइंगम हो गया, एकलेट्स चॉकलेट हो गए, 5 स्टार चॉकलेट्स हो गए, जो कि स्टिक कर जाते हैं। उनसे क्या होता है कि उनसे आपके ब्रेसेस जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इनिशियली जब ब्रेसेस लगाते हैं तो अल्सर्स हो सकते हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और हम अपने पेशेंट्स को एक तरीक़ा से डील करते हैं, इस तरीक़ा से डील करते हैं कि आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्ड हम कर देते हैं कि आपको ये करना है, तो वो ठीक हो जाएगा। इनकेस हमें लगता है कि आपको वापस हमारे क्लिनिक बुलाना, तो हम आपको बोलते हैं, आपको एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं, जिससे आप हमारे पास आ सकते हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि एक तो आपका स्माइल इन्हेंस होता है, आपके दांत शेप में आ जाते हैं, आपके दांत लाइन में आ जाते हैं, एंड इट लुक्स वेरी गुड, इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस एंड इट लेट्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेसेस इन ब्रीफ। रेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ब्रेसेस और अदर प्रॉब्लम्स, यू कैन विजिट अवर क्लिनिक एट गुवाहाटी। थैंक यू सो मच।